Assalamualaikum, this is Moina from Phone World. तो आज जिस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ वो है Honor X6, क्योंकि Honor is back in Pakistan. Honor X6 और Honor X5 ये दो डिवाइसेस पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च की गई हैं Honor की तरफ से, और एक्साइटमेंट का लेवल है भाई, क्योंकि Honor की डिवाइसेस मेरी बहुत फेवरेट रही हैं, मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ. ये आपको मार्केट से इजीली मिल सकती हैं, वो भी लोकल वारंटी के साथ. इसमें दो कलर आए हैं, एक ओशियन ब्लू कलर और एक सिल्वर कलर का, और मेरे पास जो कलर है वो है ओशियन ब्लू कलर. वेल, हम बात करेंगे Honor X6 के वेरियंट की और इसके प्राइस की. Honor X6 में दो वेरियंट आ रहे हैं, 464 और 4128. मेरे पास जो वेरियंट है वो 4128 GB का है, और इसकी जो प्राइस है वो है 46999, और जो कलर है मेरे पास वो है ओशन ब्लू कलर का. और इस डिवाइस को मजीद एक्सप्लोर करना है, लेकिन सबसे पहले हमने करनी है इसकी अनबॉक्सिंग. तो बॉक्स ओपन करते साथ ही मुझे मिली है डिवाइस, इसको बाद में देखेंगे. एक और बॉक्स मिलता है, तो यहाँ पर हमारे पास केस है, इसको आप लगा सकते हैं अपने स्मार्टफोन पे ताकि आपका फ़ोन जो है वो प्रोटेक्ट रहे. इसके अलावा यूज़र मैनुअल गाइड है, और हमें मिलती है यहाँ पर टाइप सी केबल, और चार्जर मिलता है 10 वॉट का, और बॉक्स में हैंड फ्री भी मौजूद है. वेरी कूल. तो बॉक्स को हम करते हैं साइट पे, क्योंकि अब मैंने आपको ये डिवाइस दिखानी है कि Honor X6 की लुक्स कैसी हैं. तो यह है ओशन ब्लू कलर, और यह है कुछ स्टाइल, कुछ डिज़ाइन इसका, और बड़ा शाइनी सा है एक बैक पैनल. जिनको ज़रा शाइनी बैक पैनल अच्छे लगते हैं वो डेफिनेटली ये पसंद करेंगे, और ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस पर लाइट बहुत डायरेक्ट पड़ रही है, तो काफ़ी अच्छा शेड नज़र आ रहा है. Honor की ब्रांडिंग है, और कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है. 50 MP AI ट्रिपल कैमरा इसके अंदर मौजूद है, और राइट साइड पे आपको मिलता है इसके पावर बटन, जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, एंड वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं. बॉटम पे स्पीकर मिलते हैं, टाइप सी पोर्ट, ऑडियो जैक मिलता है, और लेफ्ट साइड पे हमें मिलता है सिम स्लॉट, और ये है डुअल सिम. लेकिन आपके पास अगर 128 GB इंटरनल स्टोरेज में दिया गया है, तो आपके पास 1 TB तक ऑप्शन है, आप अपनी स्टोरेज को मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अक्सर ज़्यादा ही मेमोरी चाहिए होती है. तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कूल है, एक अच्छा क्लासिक डिज़ाइन मैं इसका कहना चाहूँगी. स्ट्रेट एजेस हैं, राउंड कॉर्नर्स हैं, और काफ़ी अच्छी ग्रिप है इस फ़ोन की, तो इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं. वन हैंड यूज़ के लिए भी मुझे ये डिवाइस ठीक ठाक लगी. इसको मज़ीद प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस पर कवर लगाएं, तो जो फिंगरप्रिंट स्मजेस हैं वो भी नहीं बनेंगे, और डिवाइस आपकी प्रोटेक्ट भी रहेगी. कैमरा मॉड्यूल में जो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं, ये बड़े खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है. इसमें आपको लग रहा है कि ये बम जो है वो थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट है. लाइक जो कैमरा मॉड्यूल है ये अलग से है, लेकिन इसके अंदर जो लेंस आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल फ्लैट हैं, तो ये काफ़ी मुझे कूल लग रहा है. और आपको LED फ्लैश लाइट भी मिल रही है. डिस्प्ले आपको मिलता है एक फुल व्यू डिस्प्ले, और बेजल जो है वो इसके एवरेज हैं. चिन पे भी आपको एवरेज दिए गए हैं, टॉप एंड साइड्स पे भी एवरेज हैं. तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो 6.5 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, और ये फुल व्यू डिस्प्ले है. तो आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, और आपको पता है कि बड़े डिस्प्लेस का फ़ायदा ये है कि आप कोई भी कॉन्टेंट देखें आप इंजॉय करते हैं. एक बड़ी स्क्रीन आपको मिलती है, उसमें अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो बड़ी स्क्रीन में आप कंटेंट ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और कलर्स वगैरह भी इसके काफ़ी खूबसूरत हैं. ब्राइट डिस्प्ले है, अच्छे कलर्स हैं, कंट्रास्ट भी अच्छा है. बाकी इसके डिस्प्ले में आई कंफर्ट भी है, डार्क मोड भी है, एंड ई बुक मोड भी है, अगर रीडिंग आप करते हैं अपने स्मार्टफोन पे. क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि अपने फ़ोन में, इवन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि नॉवेल्स पढ़ते हैं अपने स्मार्टफोन पे. ऑल्दो ये ठीक नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आदतें बहुत ज़्यादा, हैबिट्स चेंज हो गई हैं लोगों की जब से स्मार्टफोन आए हैं, तो रीडिंग भी अब फ़ोन पे हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा टाइम हमारे स्मार्टफोन पे गुजरता है. रेजोल्यूशन जो उसमें दी गई है वो 1600x720 स्क्रीन रेजोल्यूशन दी गई है. 190 ग्राम इसका वेट है, बैटरी इंक्लूडेड है इसके साथ. तो इसमें 5000 mAh की बैटरी है, और 5000 mAh की बैटरी काफ़ी बड़ी होती है, तो उससे डिवाइस का वेट भी ज़्यादा होता है. तो इस वेट के साथ बैटरी भी इंक्लूडेड है, तो नॉर्मल है इसका वेट, बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं हो रही ये डिवाइस. डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छा लगा, और एक स्मूथ डिस्प्ले लग रहा है, लाइक काफी ब्राइट डिस्प्ले है, तो आप कोई भी कंटेंट देखेंगे आप काफी एंजॉय करेंगे. इसमें जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक हेलियो G25 का प्रोसेसर है. एक आपको एक ऐसा प्रोसेसर दिया गया है जिसमें आप इजीली डेली रूटीन का कोई टास्क कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई एप्स वगैरह स्विच कर रहे हैं, या ऐप लोड टाइम की मैं बात करूं तो ये नॉर्मल है, यानी कि इजीली आपका फोन ये लोड उठा सकता है. लेकिन अगर आप इसमें हैवी गेमिंग की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल नहीं, आप एक लाइट गेमिंग इसमें कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मैजिक UI 6.1 है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 12 पे. तो अभी तक तो मुझे
ठीक लग रहा है। एक तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो इसमें फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं है, बड़ा नीट एंड क्लीन इसका यूआई है। तो यहाँ पर जो कैमरा दिए गए हैं आपको रेयर साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। मेन कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का विद f1.8 अपर्चर के साथ। एक आपको मिलता है मैक्रो कैमरा जो कि f2.4 अपर्चर के साथ है, और एक आपको मिलता है डेप्थ कैमरा जो कि f2.4 अपर्चर के साथ है, और फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का विद f2.2 अपर्चर के साथ। एक सेल्फी लेना बहुत ज़रूरी है इसमें, तो मैं एक सेल्फी ले लेती हूँ ताकि मैं रिजल्ट्स आपको दिखा सकूँ और बता सकूँ कि इसके सेल्फी रिजल्ट कैसे हैं, और कुछ हम देखते हैं कि कुछ इसमें ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक पोर्ट्रेट में पिक्चर लेती हूँ और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि पिक्चर कैसे आई है। बाय द वे इसमें बोके भी है, ब्यूटी का मोड भी है अगर आप ब्यूटी वाला फ़िल्टर यूज़ करना चाहते हैं। और अगर मैं फ़ोटो में लूँ तो यहाँ पर वीडियो जो रेजोल्यूशन आपको मिलती है वो 1080p तक आप जा सकते हैं। सेल्फी इसकी ठीक ठाक है, जैसे कि 5 मेगापिक्सल से एक सेल्फी लेते हैं आप बिल्कुल उस तरह के रिजल्ट हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसने मुझे गोरा किया है या बहुत ही आर्टिफिशियल से फीचर्स हैं, बस नॉर्मल पिक्चर है जैसे कि एक 5 मेगापिक्सल से पिक्चर आती है बिल्कुल ऐसे ही है। बैक कैमरा की बात कर लेते हैं, तो बैक कैमरा पे आपको मिलता है मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो हमें वीडियो सेटिंग्स मिलती है वो 1080p तक की मिलती हैं। पोर्ट्रेट है तो मोर में आपको टाइम लेप्स मिलता है, सुपर मैक्रो मिलता है, पैनोरामा मिलता है, और हायर रेजोल्यूशन से पिक्चर आप ले सकते हैं। तो 50 मेगापिक्सल जो पिक्चर हैं वो ठीक ठाक आई हैं, लाइक अगर आप इसको डे लाइट में शूट करते हैं इससे तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप कोई ऐसे फ़ोन चाहते हैं जो कि डे लाइट में अच्छी पिक्चर्स आपके पास आएँ और आपके वीडियोज़ अच्छी रिकॉर्ड हो सकें, तो ये कैमरा ठीक ठाक है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँ कि जो लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं उसके ऑनर में गूगल सर्विसेज हैं या नहीं, तो यहाँ पर प्ले स्टोर भी है, गूगल की तमाम सर्विसेज आपको मिलेंगी। आप बिल्कुल आंखें बंद करके इसको लें और इजीली आपको यहाँ पर प्ले स्टोर मिल रहा है, जो दिल करें आप इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, तो गूगल की सर्विसेज तमाम आपको मिलेंगी। जिनके माइंड में ये है कि नहीं हम ऑनर की डिवाइसेज की तरफ जाएँ या नहीं, गूगल की सर्विस है या नहीं, तो ये बात क्लियर कर दूँ कि इसमें है, ईजिली आप इसको ले सकते हैं। और जो दूसरा वेरियंट है X6 का 4GB 64GB के साथ, वो 40,000 999 का, तो 41,000 की प्राइस रेंज में आपको वो फोन मिलेगा। तो मेरा क्या ओपिनियन है ऑनर X6 के बारे में, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, एक तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा दिया गया है जो कि डेली रूटीन के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें 5000 की एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दी गई है, अगर आपका यूजेज बहुत ज्यादा है तो बैटरी बार बार ड्रेन नहीं होगी, आपको बार बार चार्ज की टेंशन नहीं होगी, और इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज अप टू 1 TB है। इतनी ज्यादा आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिल रही है और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे काफ़ी स्मूथ लगा ये। और भाई ऑनर जो है वो ऑफिशियली आ चुका है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम दूसरी डिवाइस को भी जल्द अज जल्द आपके लिए लेकर आएंगे वीडियो पर जो कि है ऑनर X5। टिल देन अल्लाह हाफिज़।